कर्नाटक में जैन आचार्य रामकुमार नंदी की निर्मम हत्या करने पर देश भर में जैन समाज के लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। इस निर्मम हत्या के दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही को लेकर सोमवार को बाड़मेर में भी श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक ओसवाल श्री संघ के बैनर तले जैन समाज के लोगों ने मौन जुलूस निकालकर इस घटना पर अपना रोष जाहिर किया। समाज अध्यक्ष अमृतलाल जैन के नेतृत्व में जैन समाज के लोगों ने जैन आचार्य रामकुमार नंदी की निर्मम हत्या पर रोष प्रकट करते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर सख्त सख्त सजा देने की मांग की गई। कर्नाटक राज्य में 7 जुलाई को जैन समाज के आचार्य रामकुमार नंदी के कुछ असामाजिक तत्वों ने बर्बरता के साथ हत्या कर दी थी। आचार्य की हत्या के बाद पूरे देश भर में जैन समाज के लोगों द्वारा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर मौन रैली व प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को बाड़मेर में भी जैन समाज के लोगों ने मौन रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक ओसवाल श्री संघ के बैनर तले जैन समाज के लोगों ने यह मौन रैली निकाली। इस दौरान जैन समाज के बाड़मेर अध्यक्ष अमृतलाल जैन ने बताया कि कर्नाटक राज्य के चिकोडोनी जिले के हीरे खोड़ी गाँव में एक गुरुकुल पारसनाथ जैन आश्रम है। वहां पर लगभग 15 सालों से शिक्षा के माध्यम से ग्रामीणों के विकास या उत्थान का कार्य किया जा रहा है। गुरुकुल में 7 जुलाई को कुछ असामाजिक तत्वों ने जबरन आश्रम में घुसकर आचार्य रामकुमार नंदी के साथ बेरहमी से मारपीट कर उन्हें करंट लगाकर भीषण यातनाएं दी गई। उसके बाद क्रूरतापूर्वक उनके शरीर के टुकड़े कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से ही जैन समाज के लोग ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करने के साथ साधु संतों की सुरक्षा देने की मांग कर रही है। वहीं कर्नाटक पुलिस द्वारा अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं करने पर जैन समाज में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को जैन समाज के लोगों ने ढाणी बाजार स्थित जैन यात्री नौरी से कलेक्ट्रेट तक मौन रैली निकाली। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन के बाद अपनी मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा गया। कर्नाटक में दिग्गमय आचार्य थे हमारे रामकुमार जी नंदी जी महाराज, वो वहाँ आश्रम में स्थिरवास कर रहे थे। कुछ असामाजिक तत्वों ने कर्मियों ने उनका अपहरण करके विद्युत करंट देकर के उनके शरीर को उनकी यातनाएं देकर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनको कुएं में फेंक दिया। इस प्रकार की जो विशेष हत्या हुई उस हत्या के विरोध में उस हत्यारों के खिलाफ से जुड़े जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रधारों को गिरफ्तार, क्योंकि ये हत्या है दो व्यक्ति ने कर सकते हैं। इस प्रकार की विशेष हत्या की गई है, एक आचार्य की हत्या की गई है। भारत देश धर्मनिष्ठ देश में साधु संतों की हत्या करने के पीछे बहुत बड़े षड्यंत्र बहुत बड़े दुष्चक्र बच्चे आ रहे हैं। ये सारे दुष्चक्रों का पर्दाफाश सरकार करे, उच्च स्तरीय इसकी जाँच करे, उसके लिए हमने यह आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा है और हम चाहते हैं कि इस प्रकार से जितने भी समुदाय के साधु संत हैं उनके सुरक्षा की व्यवस्था का जिम्मा सरकार का है, तो सरकार को उनके जीवन को सुरक्षित रखके हर संभव प्रयास करने चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे तत्व हैं इस देश में जो साधु संतों पर हमला करके इसकी देश की अस्मिता इसकी राष्ट्रीयता को खंडित करना चाहते हैं। उन सबका हम विरोध करेंगे और उसके लिए अभी तो हम निवेदन कर रहे हैं और आप सीतापुर के संपूर्ण जैन समाज देश भर में इसके लिए खड़ा होगा, चाहे जैनियों का हो चाहे वैष्णव हो चाहे किसी भी समुदाय का साधु हो। साधुओं के ऊपर आघात है, उसको यह देश किसी भी स्थिति में सहन करने को तैयार नहीं है। ज्ञापन में जैन समाज के लोगों ने स्पेशल पुलिस फोर्स के माध्यम से इस हत्याकांड की जांच करवाने, तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार करने, हत्याकांड से जुड़े सभी अपराधियों के खिलाफ जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से चलाकर आरोपियों को सख्त से सजा दिलाने की मांग की गई। साथ ही संपूर्ण भारत में एक अध्यादेश लाकर सभी धर्मों के साधु संतों को मजबूत व कड़ी सुरक्षा देने की मांग की गई। ज्ञापन की एक प्रतिलिपि प्रधानमंत्री और राज्यपाल के नाम भी सौंपी गई। मौन रैली और ज्ञापन के दौरान खत्तरगढ़ जैन श्री संघ, अचलगढ़ जैन श्री संघ तेरापन, स्थानक वासी एवं दिगम्बर जैन श्री संघ के पदाधिकारी, नाकोड़ा जयंती ट्रस्ट के ट्रस्टी, जैन श्री संघ बाड़मेर के वर्तमान व पूर्व पदाधिकारी व सदस्यों सहित जैन समाज के गणमान्य नागरिक और युवा साथी उपस्थित रहे।